नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अंजनी जी के जीवन में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज किचन में बना रहे हैं कतला मछली रेसिपी। तो कतला मछली रेसिपी बनाएंगे तो उसमें हम तड़का में डालेंगे करी पत्ता। तो चलिए सबसे पहले हम करी पत्ता तोड़ते हैं, आइए तोड़ते हैं। ये देखिए करी पत्ता का पौधा लगाए हुए है, कितना बड़ा हो गया है और हरा भी है। तो चलिए तोड़ लेते हैं, पत्ता तोड़ लिए हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है कतला मछली, ये मछली एकदम ताजा है, मार्केट से लाए हैं। ये मछली का नाम है कतला, तो इसे हम वहीं से बारीक कटवा कर लाए थे और यहाँ फ्रेश से हम धो दिए हैं। तो ये मसाला जो है पेस्ट बनाया है, सिर्फ धनिया पाउडर है जो सूखा है, बाकी सारे मिर्ची का और सरसों लहसुन का पेस्ट बनाकर कटोरी में तैयार कर लिए हैं। इसे घोलकर हम मछली में डालेंगे। मछली जो है फ्रेश हो चुका है, तो चलिए अब इसमें हम हल्दी और नमक मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद कतला मछली जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। मछली सबसे पहले हम हल्दी डाल देते हैं, हल्दी डाल दिए हैं। अब हम नमक डालेंगे, हल्दी और नमक डाल के मिक्स करके जो है इसे फ्राई करेंगे। चलिए डाल दिए, अब मिक्स करते हैं। तो देखिए हल्दी और नमक कतला मछली में मिक्स कर दिए हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बिना हल्दी नमक का दोस्तों मछली फ्राई नहीं होता है। तो चलिए कढ़ाई गर्म कर चुके हैं, हम फ्राई करेंगे इसे। हो चुका है कढ़ाई में, तो चलिए हम कतला मछली को फ्राई करते हैं। तो मछली डाल दिए हैं, तो चलिए एक तरफ फ्राई होने देते हैं, उसके बाद जो है हम पलट लेंगे। फ्राई हो गया है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे मछली हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मछली जो है फ्राई हो गया है, देखिए एकदम लाल और कड़ा करके जो है हम तले हैं। और साथ ही करी पत्ता भी धोकर रख लिए हैं क्योंकि तड़का लगाएंगे। तो आइए अब कढ़ाई में मसाला भूनते हैं और ये मछली में रस लगाते हैं। आइए फोरन डालते हैं सरसों, पीला सरसों डाल दिए हैं, सरसों को हम चटकने देते हैं। सरसों चटक गया है, तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं करी पत्ता। तो चलिए अब डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता रखने से जो है तो करी पत्ता को भी हल्का भून देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है तेल में और सरसों में मिक्स हो जाए। करी पत्ता जो है भुना गया है, तो चलिए मसाला का जो पेस्ट बनाए थे आप लोग को दिखाएं, सबको हम एक ही साथ डाल दें। तो मसाला में हल्का पानी डाल देते हैं ताकि जलेगा नहीं। मसाला के 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों सारे मसाला का जब पेस्ट बनाया है तो देखिए मसाला देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो मसाला भुना गया है देखिए, और कलर भी आया है। तो चलिए रस के लिए हम पानी डालते हैं। तो चलिए पानी डालते हैं, पहले करी पत्ता का जो फ्लेवर है अभी आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। तो पानी डाल दिया है, तो चलिए रस को उबलने देते हैं। उसके बाद जो है मछली फ्राई किए हैं कतला मछली को डाल देंगे रस में। आ गया है देखिए, और करी पत्ता जो है एक साइड हो गया है। तो चलिए इसमें अब रस में मछली को डुबाते हैं, डुबिल लगाते हैं मछली
को डाल दी है रस में। इसे उबालेंगे ताकि मछली जो है रस पी के नरम सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम उतार लेंगे। तो चलिए उबालते हैं। कतला मछली रेसिपी जो है टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार हो गया है। ताइए चूल्हा पर से हम उतार लेते हैं। तो टेस्टी लाजवाब मछली बनकर तैयार है। मछली बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।